हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा जो CBT 1 का आंसर किया आया है, आंसर की के बाद कट ऑफ बताने वाला हूं। जनरली कट ऑफ मैं बनाता नहीं, कट ऑफ की वीडियो आज तक एक भी नहीं बनाया, लेकिन ये पहली बार कट ऑफ इसलिए बना रहा हूं ताकि लोगों के मन में ये शंका ना रहे कि CBT 2 के लिए तैयारी करें या फिर ना करें। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लेट से आपने तैयारी नहीं करी लेकिन आपका रिजल्ट हो गया, फिर आप ये तो नहीं करोगे कि रिजल्ट हो गया तो पेपर नहीं दोगे, पेपर तो दोगे ही, ठीक है। जैसे क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ आपको, रेलवे जो ALP वाला एग्ज़ाम हुआ था अभी पिछले साल या उससे पहले, तो ALP वाले पेपर में ऐसे ही हुआ था कि CBT 2 की लोगों ने तैयारी करी थी नहीं, और CBT 1 में काफ़ी लोगों के रिजल्ट आ गए, काफ़ी ज़्यादा लोगों के रिजल्ट आ गए थे, और रिजल्ट आने के बाद लोगों ने CBT 2 की तैयारी शुरू करी। और इससे हुआ क्या कि जितने भी एक्स्ट्रा या ज़्यादा लोग थे CBT 1 के रिजल्ट में पास हुए थे वो सारे ही CBT 2 में जाके छंट गए। कारण क्या है? कारण यही है कि पहले से उन्होंने CBT 2 की तैयारी नहीं करी, उन्होंने बस ये सोचा कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे, या फिर वो कन्फर्म नहीं थे कि रिजल्ट उनका आएगा या फिर नहीं आएगा, कट ऑफ को क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, यही सोच करके उन्होंने अपनी तैयारी को ढंग से तैयारी नहीं करी। और इसका कारण ये हुआ कि वो CBT 2 में जा कर के फेल हो गए, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बताने वाला हूँ, बस कुछ डेटा दिखाऊंगा, कुछ डेटा के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, और आपको कट ऑफ की वीडियो देख देख कर टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। मैंने भी जब 2016 वाले NTPC पेपर को दिया था तो यही हाल था कि Tier 1 होने के बाद, यानी कि CBT 1 जिसको आप बोलते हैं, CBT 1 होने के बाद हम लोग भी केवल कट ऑफ की वीडियो ढूंढते थे यूट्यूब पर, ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो, और कम से कम आधे टाइम 2-3 महीने तो कट ऑफ की वीडियो देखते देखते निकल गया, ठीक है। और पता चला कि CBT 1 में रिजल्ट हो गया, फिर CBT 2 की ढंग से लोग तैयारी नहीं कर पाए, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार इससे पहले NTPC क्वालिफाई कर चुका हूँ, CBT 1 और CBT 2 दोनों, ठीक है। NTPC जो पेपर 2016 वाला है, जिसमें उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, तो वहाँ पर मैंने क्वालिफाई किया था ASM के लिए, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए, Tier 1 और Tier 2, यानी CBT 1 CBT 2 दोनों। साइको भी दिया था मैंने, तो साइको में मैंने छटा था कुछ नंबर से, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, इतना अनुभव है कि मैं आपको सही कट ऑफ का अनुमान दे सकूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है। और CBT 2 के लिए, CBT 2 की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल NK मैथ्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर CBT 2 की आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी, और साथ ही CBT 1 जो हुआ है उसका मैथ का सोल्यूशन सारा जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के लिए और NTPC CBT 2 के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है कि CBT 1 जो पेपर हुआ है रेलवे का, उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनको करें, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन वापस आने वाले हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, थोड़े से टाइम कम होगा पहले से, और एक दो क्वेश्चन लेवल में कोई अंतर नहीं रहता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी Tier 1 Tier 2 दोनों क्वालिफाई कर रखा है, मैंने CBT 1 CBT 2 दोनों क्वालिफाई किया है 2016 वाले में। तो आप निश्चिंत रहिए और मेरे साथ CBT 2 की तैयारी को शुरू कीजिए, मैं आपकी तैयारी को पूर्ण कराऊंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ डेटा मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये जो सभी लोग बोलते हैं, मैं भी बता देता हूँ आपको कि कट ऑफ एनालिसिस करने के लिए, देखो कट ऑफ डिपेंड किस पे करता है, एक दो एग्जाम लेवल पे। भाई एग्जाम लेवल किसका कैसा रहा, एग्जाम लेवल पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो खेल आया है, तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा ये एग्जाम लेवल को ही ध्यान में रख के नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन क्या है दोस्तों, जब भी पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है, जैसे आपको पता है कि जो NTPC है इसके पेपर में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, मैं आगे आपको डेटा दिखाऊंगा। तो इसमें मान लो कि जैसे 50 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, यानी कि 50 लाख लोगों ने पेपर दिया। अब 50 लाख लोग पेपर देंगे तो एक दिन में पेपर कराना तो संभव नहीं है, पेपर डेफिनेटली कई दिनों तक चलता रहेगा। और जब अलग अलग दिन तक पेपर चलता है तो हर एक दिन का पेपर का लेवल सेम रहे, यानी कि पेपर का हार्डनेस या फिर टफनेस आप कह सकते हैं, पेपर कितना टफ था कितना ईजी था, इस लेवल को मेनटेन करना मुश्किल है। अगर मान लो, अब आपको पता है कि 7 फेज में पूरा चला है NTPC का पेपर, पूरे 7 फेज में चला है, कई महीनों तक चला, तो हर एक दिन पर पेपर का लेवल सेम रखना उतना ही ईजी या उतना ही कठिन रखना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है कि जहां पर लेवल कठिन होता है वहां पर नंबर थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं, और जहां नंबर लेवल थोड़ा सा ईजी होता है या ज़्यादा ही ईजी होता है वहां पर नंबर घटने के भी चांस रहते हैं, ठीक है। लेकिन SSC के जैसा इसकी नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि NTPC मैंने दिया है दोनों
CBT 1 CBT 2, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं या कितने घट सकते हैं। तो एक तो एग्जाम लेवल, क्योंकि इस पर डिपेंड है पूरा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो भी एग्जाम लेवल डिपेंड तो करता ही, क्योंकि एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग ही, अब किसी का एग्जाम ईजी है तो ज़्यादा नंबर ला सकता है, जिसका आसान है सॉरी ईजी है हाँ वही आसान है तो वो ज़्यादा नंबर ला सकता है, और जिसका टफ था पेपर डेफिनेटली वो कम नंबर लेकर के आएगा। अब जोन पर भी डिपेंड करता है, जोन जैसे कुछ दूर दराज के जोन है, जैसे जम्मू कश्मीर का जोन हो गया, या फिर मान लीजिए आपने गुवाहाटी का जोन हो गया, ठीक है, बंगलोर का जोन हो गया, तो जो दूर दूर के जोन हैं वहाँ पर डेफिनेटली हमेशा ये देखा गया है कि चाहे वह ग्रुप डी हो या फिर NTPC हो, वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है बाकी जोन की अपेक्षा, कहीं कहीं बहुत सारी कम, बहुत ही कम चला जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा इसकी, मैं आपको बात बताता हूँ मैं क्या बोल रहा था, जो CBT 1 का रिजल्ट आया था, CBT 1 का रिजल्ट NTPC 2016 वाले का, तो उसमें जैसे मुजफ्फरपुर में चला गया था 54 के आसपास कट ऑफ, 54 मुजफ्फरपुर में, जबकि कहीं और देखिएगा आप तो 67 तक चला गया था, 72 तक चला गया था दूसरे जगह, जबकि मुजफ्फरपुर में 54 ही रहा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जोन कौन सा है, ठीक है, एक तो जो दूर दराज के जोन है वहाँ पे कट ऑफ कम रहता है, और दूसरी बात कि कोई ऐसा जोन है दोस्तों जहाँ पर वैकेंसी तो कम है, ठीक है, वैकेंसी तो कम है और भरने वाले और कम हैं, यानी कि नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भरने वाले लोग हैं वो भी कम है, तो अगर भरने जो फॉर्म जिन्होंने भरा है, जितने लोगों ने पेपर दिया उनकी संख्या भी कम है और वैकेंसी भी कम है, तो ऐसे जगह पर ज़्यादातर कट ऑफ कम होता है, ठीक है। और जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होती है तो लोग भी ज़्यादा भरते हैं वहाँ पर, उनको लगता है कि चांस ज़्यादा है यहाँ पर, और ऐसे कंडीशन में ज़्यादा लोग होने के कारण वहाँ पर कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई चली जाती है। और तीसरी बात आती है कैटेगरी की, कैटेगरी कौन सी है, आपको पता है कि OBC का अलग कट ऑफ होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, UR का जनरल का, और SC का इससे थोड़ा कम होता है, और ST का उससे भी कम होता है। तो कितना कितना कम गया था CBT 1 में, मैं ये भी बताऊंगा कि जो 2016 वाला था NTPC उसमें Tier 1 के पेपर में कितने नंबर का अंतर था जनरल SC ST और OBC में, ये भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कट ऑफ किन बातों पर डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये CBT 1 का देखो, यहाँ पे मैं बात करूँ तो CBT 1 का यहाँ पे हमारे पास ये है, देखिए CBT 1 का ये क्या एग्ज़ाम लेवल था, कैसा एग्ज़ाम था, ये था उसका सिलेबस, देखो RRB NTPC का ये सिलेबस है दोस्तों। टोटल 90 क्वेश्चन आए हुए थे आपको पता है, जिसमें से 40 तो GK GS के क्वेश्चन थे, 30 थे मैथ के क्वेश्चन और 30 थे रीजनिंग के क्वेश्चन, ओवरऑल 100 क्वेश्चन थे जिसके लिए 90 मिनट मिला था, और जो PWD कैंडिडेट थे इनको 120 मिनट मिला था, यानी कि इनको 30 मिनट ज़्यादा मिलता है, आधे घंटे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि 90 मिनट में दोस्तों, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने थे, यानी कि डेढ़ घंटे में 100 क्वेश्चन करने थे, जिसमें 40 क्वेश्चन GK के, 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो जिनकी मैथ्स और रीजनिंग ठीक है या जो SSC की तैयारी करते हैं जनरली, वो मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर जाते हैं। देखो 30 और 30 60 नंबर की है मैथ और रीजनिंग, तो आप मान के चलिए कि 55 प्लस जिन लोगों की अच्छी तैयारी है मैथ रीजनिंग में, वो 55 प्लस लेकर के आए होंगे, ठीक है, 55 के आसपास जरूर लेकर आए होंगे। और जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है वो तो भाई 55 के ऊपर डेफिनेटली जाएंगे, नहीं तो 50 से 55 के बीच में जरूर सारे लोग लाए होंगे, ठीक है। और GK की तो कोई गारंटी नहीं है कि कौन कितना ला सकता है, GK अपना अपना रोल निभाता है, ठीक है। तो ये था CBT 1 का कैसा पेपर था, और ये नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता होगी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किया तो एक सही क्वेश्चन भी हट जाता है, 3 क्वेश्चन गलत किया तो एक सही क्वेश्चन भी हट जाता है। अब आगे देखते हैं, देखो इसमें कितने लोगों को बुलाएगा, CBT 1 में कितने लोग क्वालिफाई होंगे, CBT 1 में कितने लोग क्वालिफाई होंगे, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि RRB जो है यहाँ पर, इसमें कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर Stage 2, सेकेंड स्टेज के लिए, यानी CBT 2 के लिए कितने लोगों को बुलाएगा, तो जितनी वैकेंसी होगी दोस्तों, जितनी पूरी वैकेंसी है उसके 20 गुना लोगों को बुलाएगा, देख रहे हैं 20 टाइम्स और 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, तो 20 गुना लोगों को बुलाना। वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी लगभग 30,000 से तो ऊपर ही है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा डेटा हमने यहाँ पर लिया है। देखो जो वैकेंसी है 2019 वाली ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये अभी हम डेटा में इसको कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 35,000 के आसपास वैकेंसी है, तो 35,000 का 20 गुना समझ लो काफ़ी ज़्यादा लोग होता है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा
संख्या में लोगों को बुलाने वाला है। अब यहाँ पर चूंकि लोग ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगा। मैं बताऊँ आपको कि जो 2016 वाला पेपर था दोस्त, 2016 वाला एनटीपीसी था, उसमें 18,000 के आसपास सीटें थी, वैकेंसी कितनी थी 18,000 के आसपास, ठीक है। तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम थी तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी कम थे, और कैंडिडेट्स कम होने के कारण, वैकेंसी कम होने के कारण सबसे पहले कि वहाँ पर क्या था कि लोग भी कम बुलाए गए। वैकेंसी कम थी तो कम का 20 गुना करेंगे आप तो कम लोग ही बुलाया जाएगा। यहाँ पर चूंकि वैकेंसी 35,000 है तो 35,000 का 20 गुना बुलाया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाता है स्टूडेंट्स का। और जब अधिक लोगों को बुलाना है तो डेफिनेटली कट ऑफ कम जाने वाली है, 2016 वाले से तो कम ही जाएगा। और चूंकि कंपटीशन का लेवल भी वो नहीं रहा, इसलिए 2016 वाले से कंपेयर करना कहीं से भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 2016 आज से 5 साल पहले की बात है। और अब जब पेपर हुआ है, लगभग 4 साल बाद पेपर हुआ है, मान के चलिए आप दिसंबर में स्टार्ट हुआ था ना पेपर पहला फेज, तो लगभग 4 साल बाद पेपर हुआ है। और 4 साल में चूंकि YouTube आया, जियो आया, तो काफ़ी सारे 2016 के टाइम पे नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था YouTube। उस समय मेरे पास खुद, मैंने पहली बार 2015 के आसपास या 14 के आसपास, ऐसे मुझे याद है 14 के आसपास स्मार्टफोन मैंने लिया था, या 15 के आसपास लिया था, उतना याद नहीं है। और 16 में उस टाइम तो गांव में सभी जगह जियो अवेलेबल भी नहीं था, और अच्छा नेटवर्क नहीं होने से उस समय यूट्यूब नहीं था, और ना ही यूट्यूब से पढ़ने वाले उतने लोग थे, और ना ही यूट्यूब पर पढ़ाने वाले उतने लोग थे। लेकिन आज के टाइम में ये रिवॉल्यूशन जो है इंटरनेट वाला, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, और इसीलिए ऑनलाइन जो शिक्षा है, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, ये सब काफ़ी हद तक बढ़ गया है, इसीलिए कंपटीशन का लेवल भी पहले से बढ़ा है, ये बात समझिएगा, ठीक है। अच्छा देखो, CBT 2 में अगर CBT 2 जब हो जाएगी तो उसका जो नेक्स्ट स्टेज होता है, जैसे साइको टेस्ट होता है या स्किल टेस्ट होता है, तो उसके लिए कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा, उसके लिए 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, टोटल वैकेंसी का 8 गुना, यानी कि 35,000 का 8 गुना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि क्या रोल रहा 16 में और 16 से लेकर के और 19 में क्या फ़र्क है। पहले नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो 16 में लगभग 93 लाख अप्लाई किए होंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और इस बार 1.26 करोड़, पहले से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। कितने लोग प्रेजेंट हुए, उसमें 56 लाख और इसमें 60 लाख के आसपास प्रेजेंट रहे। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 2016 में वैकेंसी थी देखो 18,252, इसको बाद में घटा दिया गया था वैकेंसी, मुझे पूरा पूरा याद है, CBT 1 जब हम लोग क्वालिफाई कर चुके थे और CBT 2 के पेपर के टाइम पर इसको कम, वैकेंसी को कम कर दिया गया था, क्योंकि मुझे भी उस समय मेरे पास उतने अच्छे से नेटवर्क अवेलेबल नहीं था, यूट्यूब पर मैं नहीं देखता था ज़्यादा वीडियो, तो मुझे ज्ञात नहीं हो पाया था सही समय से कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम हो गई हैं। लेकिन जब CBT 2 का पेपर देने मैं चेन्नई गया था तो दोस्तों ने मेरे बताया था कि पेपर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो 4,000 के आसपास कम कर दी गई थी, ठीक है, 4,000 के आसपास वैकेंसी घटाई गई थी और 13,000 या समथिंग, 13,000 समथिंग या 12,000 समथिंग वैकेंसीज रह गई थी, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो वैकेंसी को उसमें कम कर दिया गया था, लेकिन जो आई थी वैकेंसी निकल कर नोटिफिकेशन में वो 18,252 वैकेंसी थी, जबकि इस बार जो वैकेंसी है वो है 35,208। तो इस बार वैकेंसी पहले से लगभग डबल है, आप देखेंगे तो लगभग डबल वैकेंसी है, तो इसीलिए कट ऑफ कम जाने की संभावना है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है, और ज़्यादा लोगों को बुलाना भी है। और बात करें अगर हम यहाँ पर रिजल्ट डेट की या आंसर की कब आया था उसमें, तो देखो उस टाइम पे जो 2016 वाला पेपर था उसका आंसर की आया था अगस्त में, और CBT 1 का रिजल्ट कब आ गया था, दिसंबर में आया था, ठीक है, अगस्त में आंसर की आया तो दिसंबर में रिजल्ट आया था। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 16 अगस्त को हमारा आंसर किया आया था नोटिफिकेशन, आपने देखा होगा 16 अगस्त को आंसर किया आने के लिए नोटिफिकेशन आया था NTPC का, तो 16 अगस्त को यानी कि 16 अगस्त को यहाँ पर NTPC का आंसर की आया, तो आप मान के चलिए कि आंसर की आया है तो पहले तो 30 तारीख तक आप आंसर की चेक कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जो लोग रेज किए होंगे, तो जो क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्शन करते हैं, जो क्वेश्चन गलत होता है, जैसे एक नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन में इन्होंने गलत आंसर दे दिया है, जिसका आंसर 135 होना चाहिए था लेकिन इन्होंने 9/15 शायद आंसर दिया है, NTPC ने कई सारे क्वेश्चन NTPC ने गलत दिया है, तो इनके इन पर बच्चे पहले ऑब्जेक्शन लगाएंगे, क्लेम करेंगे, ठीक है, क्लेम होने के बाद फिर उस पर गौर फरमाएगी NTPC, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद फाइनल आंसर की आती है एक, ठीक है, तो फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट आता है जब उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रह जाता है तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगस्त में आंसर की आया था तो दिसंबर में रिजल्ट आ गया था, यहाँ भी अगस्त में आंसर आया है तो रिजल्ट मान के चलिए आपकी नवंबर से दिसंबर में, अक्टूबर में तो आने का चांस बहुत कम है,
ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार, ठीक है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फिर भी मान के चलिए आप अक्टूबर के लास्ट लास्ट तक या फिर नवंबर दिसंबर में, ये एक्सपेक्टेड है, यानी कि दिसंबर तक आप मान के चलिए कि टीयर वन का रिजल्ट, सीबीटी वन का रिजल्ट आ जाएगा। और सीबीटी टू का पेपर कब हुआ था, उसमें सीबीटी टू का एग्जाम डेट था 17 जनवरी, ठीक है। अब उस समय हमें याद है दोस्तों कि हमारा भी जो टीयर टू का पेपर हुआ था सीबीटी टू का, वो अपने जोन में लिया गया था, जैसे मेरा चेन्नई बोर्ड था तो चेन्नई में ही पेपर हुआ था मेरा, चेन्नई में, तमिलनाडु में पेपर हुआ था मेरा, चेन्नई में एक जगह है तमिलनाडु में, आपने सुना होगा मीनाक्षी मंदिर का नाम, मदुरई, मंदिरों का शहर जिसे कहा जाता है मदुरई, तो मदुरई में मेरा पेपर था टीयर टू का, ठीक है, सीबीटी टू का। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सीबीटी टू का हमारे टाइम में, यानी कि 2016 में, अभी भी मैं इसमें भी अपीयर हुआ हूँ, ठीक है, अपना स्कोर भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। जहाँ पे देखिए दोस्तों, सीबीटी टू का जो पेपर हुआ था उस टाइम, वो हुआ था अपने ही जोन में, यानी कि आपने जिस जोन में भरा है उसी जोन में पेपर लिया गया था, उसी सिटी में, ठीक है। लेकिन इस बार का कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे एएलपी के एग्ज़ाम के समय में, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के समय में काफ़ी हल्ला बोल हुआ कि भाई नहीं, जब नज़दीक सेंटर है तो इतना दूर क्यों, बाद में सबका सेंटर नज़दीक किया गया था, ठीक है, और ज़्यादा लोगों का सेंटर इलाहाबाद में आ गया था, लखनऊ में आ गया था, ऐसे हुआ था, तो वो इस बार भी हो सकता है। तो बस आपको ये बात समझनी पड़ेगी मेरे दोस्त की, जहाँ पर देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर अगस्त में आया है आंसर की, तो आप मान के चलिए कि रिजल्ट जो होगा सीबीटी वन का, वो नवंबर से दिसंबर के आसपास आएगा, नवंबर दिसंबर के आसपास, और जो पेपर हो सकता है वो इस साल तो होने से रहा, मुझे नहीं लगता है कि इस साल होगा, तो आप मान के चलिए जनवरी में पेपर होगा या फिर जनवरी के बाद होगा, जनवरी आप एक्सपेक्टेड मान के चलिए जनवरी, लेकिन आपको डेट पर डिपेंड नहीं करना है, ठीक है, डेट पर डिपेंड नहीं करना है। अभी हम कट ऑफ की बात करेंगे, उसके बाद ये भी बात करेंगे कि अगर आपका उससे कम नंबर आ रहा है तब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखो भाई, अगर कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले, अब एक तो आपने अपना स्कोर चेक कर ही लिया होगा कितना है, उसमें से आपने गलत भी छांटा होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 जो है इसे आपने माइनस किया होगा। अब मान के चलो, लोग जितने स्कोर करते हैं, मान के चलो कोई जनरल आदमी जैसे 70 स्कोर किया सही, और उसने 12 गलत कर दिए, तो 12 गलत करने का मतलब जितना गलत है उसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करके हमारा 4 आ रहा है ना, तो 4 नंबर हम इसमें से माइनस कर लेंगे, 70 में से 4 माइनस कर लो, इसका मतलब उसका 66 सही बन रहा है। बात समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? मैंने बोला कि जितना स्कोर लाया है बंदे ने सही किया है जैसे 70, और गलत कर दिया मान लो 15, तो जितना गलत है उसको 3 से डिवाइड करो, 3 से भाग करोगे तो 5 आएगा, इसका मतलब 5 नंबर कम होगा उसका, ठीक है, तो 5 हम कम करेंगे 70 में से, तो उसका स्कोर 65 बनेगा। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको अपना स्कोर चेक करना है। बात क्लियर हुआ? अभी देखते हैं कि कट ऑफ किया जा सकता है। तो देखो भाई, मैं तो पहले बताऊंगा कि मैंने ये गलती कर चुका हूं, तो आप लोग ये गलती ना करें, और बार बार सब कुछ छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, और केवल कट ऑफ की वीडियो ना देखें। आपको जिस पे भरोसा हो, जिसका आपको सही लगे, आप बस एक किसी का कट ऑफ का वीडियो देख लो, जिस पर आपको भरोसा हो, लगे कि ये जेन्युइन टीचर हैं या जेन्युइन चैनल हैं, आप कट ऑफ देख लो और उसी से आप संतुष्ट हो लो और आगे तैयारी चालू कर दो, ठीक है। अब अगर मेरे से पूछ रहे हैं कि अनुमान क्या होगा दोस्त, तो देखो अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूँ दोस्त, ओवरऑल, तो जिनका भी 55 के ऊपर है, 55 प्लस जो भी हैं, ठीक है, वो सेफ हैं, चाहे वो किसी भी जोन के बंदे हों, ठीक है। एक बात याद रखना कि जो सीबीटी वन है दोस्त, सीबीटी वन ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग से मेरा क्या लेना देना है, इसका नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, बस इसमें पास कर जाना है। अगर मान लो कट ऑफ 55 ही होता है और आपने 95 भी मार्क्स ला दिया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और किसी ने 55 पे 55 ही ला करके पास किया है, तो दोनों बात बराबर है, इसमें केवल पास करना है, नंबर इसका जुड़ता नहीं है। अगर कट ऑफ 50 जाता है और आपने 99 नंबर ला दिया और किसी बंदे ने 51 नंबर ही लाया है, तो दोनों का बात बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि नंबर जुड़ने वाला नहीं है इसका। बात समझ रहे हो? ये क्वालिफाइंग पेपर है, और सीबीटी टू का जो नंबर आएगा वो जुड़ेगा। सीबीटी टू में आप जितने मार्क्स लाएंगे, उसके बाद साइको टेस्ट होता है, अगर आपने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किया है, स्टेशन मास्टर के लिए, तो उसमें साइको टेस्ट होता है, तो साइको का और सीबीटी टू का इनका नंबर जुड़ता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक बात समझिए दोस्त, मैं क्या बता रहा हूँ, साइको का पेपर भी हमारा चेन्नई में ही हुआ था, यानी कि अपने बोर्ड में ही लिया गया था,
तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, मैं बोर्ड वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जोन से हैं आप, और अगर आपका 55 नंबर आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है तो आप डेफिनेटली सेफ हैं, आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। और ये 55 नंबर निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद है, निगेटिव मार्किंग को लेकर नहीं, ठीक है, निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने 55 लाया है तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी जोन के हैं, तो आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपका ऐसा जोन है जैसे बंगलोर है या जम्मू कश्मीर का जोन है या गुवाहाटी का जोन है, तो ऐसा अगर आपका जोन है जिसमें कट ऑफ डेफिनेटली कम जाती है, तो आप अगर 50 प्लस हैं तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 47, 48 ऐसे पर भी लोग पास होते हैं। और ऊपर से नॉर्मलाइजेशन भी है, तो आप ये मत समझिएगा कि नॉर्मलाइजेशन में सबके 40 या 30 बढ़ जाएंगे एसएससी की तरह। मैं बता रहा हूँ कि मेरा सीबीटी 2 में जब मैंने एनटीपीसी सीबीटी 2 2016 वाला दिया था, तो उसमें मेरा मात्र 6 पॉइंट समथिंग नंबर बढ़ा था, 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, बात समझ रहे, काफ़ी कम नंबर बढ़ा था उसमें, ठीक है। तो सीबीटी 2 में तो कम नंबर बढ़ते हैं, लेकिन सीबीटी 1 में, अब जैसे रेलवे ग्रुप डी में अभी 50 वालों का 80 हो गया था, ऐसे भी नंबर बढ़े थे, लेकिन ऐसे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे, बहुत कम ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 50 से बढ़कर 80 हो गया था, बात समझ रहे हैं। और रेलवे में डेफिनेटली घटता भी है, घटता कम है, यानी कि घटेगा तो एक नंबर या दो नंबर ही घटता है, जनरली बढ़ता ही, और बढ़ता है तो 5 से, अब मान लो नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ सकता है, मैं ये भी बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन में आप मान के चलो दोस्तों कि 5 नंबर से लेकर के, 5 से कम भी बढ़ सकता है, 5 नंबर से लेकर के, और आप नॉर्मली मान के चलो कि 5 से 20 तक बढ़ सकता है। अब कोई कोई लड़का होता है जिसका 30 भी बढ़ जाए, 20 से ज़्यादा भी बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, नॉर्मली 5 से 15 के बीच में ही नंबर बढ़ते हैं, फिर भी मैंने 20 कर दिया है, 5 से 15 तक ही नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं। रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एनटीपीसी ऑलरेडी दिया है, तो मुझे जहाँ तक ख्याल है मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ बाकी कैटेगरी का क्या होगा दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका 52-53 ऐसे आ रहा है, 52-53 या 54 नंबर आ रहे हैं, तो भी आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी है, ठीक है, बात समझिएगा। क्योंकि अगर लेट से चलो रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको ये पता है अभी आगे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, और ग्रुप डी के लेवल में या ग्रुप डी के सिलेबस में दोस्तों, और एनटीपीसी सीबीटी 1 के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, दोनों सिलेबस बिल्कुल सेम है, ना लेवल में ज़्यादा अंतर है और ना ही सिलेबस में। बल्कि अगर आप 2019 वाला ग्रुप डी का पेपर देखेंगे तो मैथ के क्वेश्चन ग्रुप डी वाला ज़्यादा टफ है कंपेयर टू एनटीपीसी। अभी भी 2021 में जो एनटीपीसी का पेपर चला था उससे भी टफ पेपर था, मैं बता रहा हूँ ग्रुप डी का 2019 वाला, ठीक है, या 18 वाला जो भी जब भी हुआ था। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी एनटीपीसी में आया है इनको सारे को कर जाइए, जीके से लेकर के, मैथ से लेकर के रीजनिंग तक। रीजनिंग नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जीके और मैथ को जरूर आपको कर जाना चाहिए, पहला बात तो ये हुआ। और अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे तो आपका साथ में ग्रुप डी का भी तैयारी हो जाएगा, इसीलिए आपको तैयारी करनी चाहिए, जैसे से जीडी की भी तैयारी साथ में हो जाएगी, बात समझ रहे हैं। तो तैयारी तो आपको बंद नहीं करना है। अब रह गया कि अगर जनरल के लिए हमने 55 कह दिया, और मान लो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप ये मान लो कि 52 से 56 ऐसा आप कट ऑफ मान के चल लो, ठीक है, जनरल के लिए 52 टू 56 कट ऑफ मान लो। और अगर मैं बात करूं कि 2016 में जो टीयर 1 या फिर सीबीटी 1 का पेपर हुआ था, तो उसमें ओबीसी और जनरल में कितने का फ़र्क था, ओबीसी और एससी में कितने का फ़र्क था, एससी और एसटी में कितने का फ़र्क था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये फ़र्क उस टाइम पर लगभग 7 से 8 नंबर का था, किसी किसी बोर्ड में 7 नंबर का अंदर था, किसी किसी बोर्ड में 8 नंबर का। तो आप मान के चलिए कि 6 से 8 नंबर का कमी हो सकता है, जैसे मैं मान लूँ कि अगर जनरल का 55 कट ऑफ है तो इससे आप 6 नंबर या 7 नंबर कम कर लो, अगर आप 7 नंबर कम करते हैं तो इसका 48 होगा, इससे भी 7 कम करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 41, और इससे भी 7 कम करेंगे तो इसका आप मान के चलिए कि 35 नंबर, ठीक है। अब देखो आप ये मत सोचना कि एसटी का 35 हो गया दोस्तों, ये मैं मिनिमम, ये कट ऑफ है, कट ऑफ का मतलब मिनिमम, कम से कम इतना पर बंदा पास हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम जाने के लिए कितना भी जा सकता है। और ये एसटी की बात है, तो किसी किसी जोन की बात है, किसी किसी जोन में एसटी का ज़्यादा भी हो जाता है, जैसे एसटी का किसी जोन में मान लो सीट कम है, आप कट ऑफ किस पर डिपेंड करता है ये भी बात ध्यान रखिए। अगर आपने ये बात, जैसे आप एक बात समझिए, अगर मान लो किसी पर एसटी का सीट एक ही है और कहीं में एसटी का सीट है 500, तो डेफिनेटली जहाँ पर एसटी का सीट कम है वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, 35 जाने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि आप अभी अपने कैटेगरी वाइज देखो, ठीक है, कैटेगरी वाइज आप बस ये याद रख सकते हैं कि जनरल से
ओबीसी का जो होता है वो लगभग 7 नंबर का अंतर होता है, और इससे एससी का 7 नंबर का अंतर, और इससे 7 नंबर का अंतर आप लगा सकते हैं एसटी का। ये मैं 2016 वाला जो रिजल्ट आया था सीबीटी 1 का उसके अकॉर्डिंग मैं उसी डेटा पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जो आपको कट ऑफ बताया है डेफिनेटली वही कट ऑफ रहने वाला है किसी भी भाई का, अगर नंबर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, अगर वो जनरल और ओबीसी है तो आप 55 के आसपास अपना कट ऑफ मान लीजिए, मैं फाइनल अब बता रहा हूँ 55 के आसपास। एससी से है तो आप 50 प्लस ले लीजिए, और एसटी से है तो आप 40 प्लस ले लीजिए, ये फाइनल कट ऑफ है। अगर इस एरिया में हैं आप, इसमें हैं, तो आप डेफिनेटली सीबीटी 2 की तैयारी करें। मैं 2-3 चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जैसे ये नहीं आप समझिएगा कि कभी मैं 35 बता दिया एसटी का। देखो जो मैंने 35, 40 और अभी कट ऑफ बताया था वो मैं 2016 के बेस पर बताया था, लेकिन आज हालात वैसे नहीं हैं, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गया है 2016 के कंपेरिजन में, और सीट ज़्यादा है उसके बाद भी नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं, ठीक है। इसीलिए जो फाइनल कट ऑफ रहने का चांस है, मैं फाइनली बात कर रहा हूँ, फाइनल दोस्त, ठीक है, फाइनल कट ऑफ, उसमें आप ध्यान दीजिए जनरल 55 प्लस है, ठीक है, 55 मिनिमम 55 आना चाहिए, और अगर आप ऐसे बोर्ड में हैं तो आप 55 से एक दो नंबर कम भी हैं तो भी आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी भी 55 आप मान के चलिए, ओबीसी भी 55 52 53 ऐसे रहेगा, एससी का 50 मान लीजिए आप, और एसटी का 40, मतलब 50 का मतलब एससी का जैसे मैंने 50 बताया तो 50 या फिर उसके ऊपर। तो मिनिमम अगर आपके 50 के ऊपर नंबर हैं, 52-53 ऐसे नंबर हैं, तो आपको डेफिनेटली सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। और मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अगर आपका 50 भी है तो आप ये मत समझिए कि आप क्वालिफाई नहीं होंगे, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है। ये मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, इसमें नॉर्मलाइजेशन मैंने ऐड नहीं किया है अभी, ये रॉ मार्क्स है, इतना आपका सही आ रहा है तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपका 50 से बढ़ के 70 हो जाए, 75 हो जाए, तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि अरे भाई अब तो मेरा 49 ही आ रहा है, अब कितना मेरा मिलेगा। लेकिन मान लो अगर आपका पेपर टफ हुआ, आपका लेवल जो एग्ज़ाम का था, आपके शिफ्ट का लेवल जो था वो टफ हुआ, और आपका 49 से मान लो इसमें 15 नंबर बढ़ा के 20 नंबर बढ़ा के 69 हो जाए, तो आप क्या करोगे, फिर तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो अभी आपको ये सोच के नहीं बैठना है मेरे भाई कि मेरा 49 नंबर आ रहा है या मेरा 40 नंबर आ रहा है। आप अगर 50 के आसपास हैं और एससी एसटी में हैं आप कन्फर्म रहिए, एसटी वाले तो भाई 40 पे भी कन्फर्म रहे, एससी वाले 50 के आसपास कन्फर्म रहे, ओबीसी वाले 50 के ऊपर कन्फर्म रहे, और जनरल वाले 55 के आसपास कन्फर्म रहे, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट निर्णय था। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से आप लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं, और सीबीटी 2 की तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला लक्ष्य है मेरे चैनल का दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, मैंने अपने चैनल का जो पहला लक्ष्य बनाया है उसमें पहला मेरा, देखो एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूँ, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ है जिसका आंसर की अभी आया है उसका मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, मैथ का, मैं शिफ्ट वाइज यानी कि डेट वाइज सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो उस सोल्यूशन को पहले देखना और उसमें जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है उनको सीखना, ये आपका पहला काम है। जब ये सोल्यूशन ख़त्म हो जाएगी तब हम एडवांस क्वेश्चन की बात करेंगे कि और क्या नए क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पेपर का लेवल और जो सिलेबस है बिल्कुल सेम टू सेम है, बस अंतर इतना सा है कि सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन आते हैं। मैं सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि सीबीटी 2 में क्या होता है दोस्त। सीबीटी 2 जो है इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बात करूँ तो देखो जीए में यानी कि जनरल नॉलेज में दोस्तों आपका आता है कितना नंबर, 50 नंबर का, ठीक है, 50 नंबर का ये आता है। और अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आती है दोस्तों 35 नंबर की, और अगर आप रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आती है 35 नंबर की। तो 35, 70 और 50 कितना हो गया, ओवरऑल 120 नंबर का पेपर होता है, और टाइमिंग उतना ही मिलता है जितना आपको सीबीटी 1 में मिला था, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे। तो टाइमिंग बिल्कुल सेम टू सेम है, जितना आपको सीबीटी 1 में टाइम मिला था उतना ही टाइम यहाँ भी मिलने वाला है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 ज़्यादा हो जाएंगे पहले से, पहले 100 ही क्वेश्चन थे अब 120 होगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखे सीबीटी 2 की तैयारी को शुरू कीजिए, और जिन लोगों का नंबर काफ़ी कम है वो डेफिनेटली ग्रुप डी की तैयारी के लिए भी, उनको भी काम यही करना है कि जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पहले एनटीपीसी टीयर 1 या सीबीटी 1 का जो अभी आंसर किया है वो सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और उनके मैथ्स को सॉल्व कीजिए। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम एमके मैथ्स नंदू कुमार को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप उसका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पूरा डाउनलोड कीजिए, उसके जीके को याद कीजिए और उसमें जो रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बस मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि 50 प्लस जितने लोग हैं सभी लोग तैयारी करें बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।